हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश कुमार, का स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ITR के विषय में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम ही होगा, जो भी लोग डिजिटल पोर्टल या फिर कोई भी डिजिटल सेवा से काम कर रहे हैं या फिर कोई भी APS वगैरह या फिर किसी तरह का भी काम कर रहे हैं जहाँ पर आपका TDS कटता है, तो उन सभी लोगों को ITR फाइल करना होता है। जी हाँ दोस्तों, यह हर साल ही फाइल करना होता है दोस्तों। और यहाँ पर ITR फाइल करने से जो भी आपका TDS का पैसा कटा हुआ रहता है वो रिटर्न आ जाता है, और इसका कुछ निर्धारित समय भी रहता है दोस्तों। जो कि आप ITR फाइल करते हैं तो आपका जो है मिलता है जो TDS कटा हुआ पैसा, वरना आपको बाद में जब आप ITR फाइल करते हैं तो यहाँ पर पेनल्टी भी पे करना होता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो अभी तक हम चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि मैं आप तक लाता रहूँ। तो यहाँ पर मैं दोस्तों बता दूँ कि यहाँ पर ITR का जो लास्ट डेट है वो निर्धारित कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। तो जो भी भाई लोग ITR फाइल करना चाहते हैं वो कर ले। जी हाँ दोस्तों, वो ITR फाइल कर सकते हैं और जो भी उनका TDS का पैसा कटा हुआ है वो रिफंड ले सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका से आप यहाँ पर ITR फाइल करेंगे दोस्तों। और जो इसका लास्ट डेट है दोस्तों ये 31 तारीख तक का कर दिया, यानी आज 11 तारीख हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर 31/7/2022 तक का इसका जो है निर्धारित समय किया गया। हो सकता है कि आगे डेट बढ़े, लेकिन आगे जो डेट बढ़ेगा वहाँ पर आपको पेनल्टी पे करना होगा। यानी आपको यहाँ पर जैसे आगे पिछले साल जो लोग का भी हुआ था और जो लास्ट डेट से निर्धारित किया गया था उसके बाद जो लोग किए थे तो उनको 1000 रुपये का पेनल्टी पे करना था, करना पड़ा, उसके बाद ही उनका ITR फाइल हुआ। तो हो सकता है शायद यहाँ भी इस केस में हो सके कि 31/7/2022 के बाद जो है यहाँ पर आपको पेनल्टी देना पड़े या फिर पेनल्टी लग जाए। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस टाइप से जो है ITR के विषय में हम आपको बताना चाह रहे थे। यहाँ पर अगर आप भी ITR फाइल करना चाहते हैं तो 31 तारीख से पहले अपना ITR फाइल करिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा जहाँ से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और जान सकते हैं। और ITR आप फाइल कर लेंगे तो जो भी आपका TDS का पैसा होता है, काफ़ी जो APS संचालक होते हैं उनका TDS वगैरह कटता है या फिर और भी जो है उनका काम होता है उनमें TDS कटता है, वो सारा आपको रिटर्न आ जाएगा। और 31 तारीख से आप पहले करते हैं तो यहाँ पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। 31 तारीख के बाद हो सकता है पेनल्टी आपको देना पड़े। तो दोस्तों यही थी छोटी सी नॉलेज जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ITR फाइल करने का लास्ट डेट आ चुका है 31 तारीख का, जो कि बहुत ही नज़दीक है। तो आप भी अपना ITR फाइल कर लें। चलिए दोस्तों, फिर कितना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।